जेक्सपो और वोकलिब 2022 के जो भी स्टूडेंट्स है, एडमिट कार्ड उनका आ चुका है। जिस किसी के भी एडमिट कार्ड में कुछ गलत है, मान लीजिए आपका जो नाम है उसका स्पेलिंग गलत है, या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है, या फिर आपका पिक्चर आपके एडमिट कार्ड में नहीं आया है, या फिर सिग्नेचर भी नहीं आया है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स आपको लेके काउंसिल के पास जाना है। क्योंकि एडमिट कार्ड में एक नंबर जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि अगर कोई भी पर्सनल डिटेल्स में कुछ गलत हुआ है तो आपको काउंसिल के पास जाना है और उनको नोटिस करना है कि आपके एडमिट कार्ड में ये गलत आया है, और वो भी एग्जाम जो डेट है उससे पहले। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू ऑनलाइन स्टडी विद प्रियंका। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है जिस किसी के भी एडमिट कार्ड में ये गलत आया है। आपको क्या करना है, आपको कोलकाता के जो कारीगरी भवन का ऑफिस है उसमें आपको जाके कांटेक्ट करना है। आपको पर्सनली फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑनलाइन कुछ भी तरीके से ये हो नहीं सकता है। तो जो एड्रेस है, एसएन बनर्जी रोड 110 सेकेंड फ्लोर एस्प्लेनेड तालतोला कोलकाता वेस्ट बंगाल 70013। तो ये है एड्रेस, आपको आपको यहाँ पे मिल जाएगा एड्रेस। आप गूगल में जी मैप में इस एड्रेस को देना और वहाँ पे आपको जाना है। कल मंडे है, कल ही हो सके, और जिसको कल पॉसिबल नहीं है वो ट्यूसडे तक ज़रूर जाए, और आपका जिस भी जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको अपना जो असली का जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना है। अगर किसी का फोटो एडमिट कार्ड में नहीं आया है तो उसको अपने साथ एक फोटो लेके जाना है, या फिर दो आप लेके जा सकते हो। जिस किसी का भी सिग्नेचर नहीं आया है तो एक A4 साइज जो पेज होता है उसमें आप सिग्नेचर करके लेके जाइए। और अगर डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलत हुआ है तो साथ में अपना जो बोर्ड एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाइए। और बाकी आप का सभी मुझे मैं सजेस्ट करूंगी, आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपने साथ रखिए, और उसको जितना जल्दी हो सके कल या फिर परसों जाके उसको जल्दी से ठीक कराइए, नहीं तो फिर एग्जाम में आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम होगा।